मृतकों की संख्या बढ़ गई है, जो जानकारी सामने आ रही है इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। 207 जो आखिरी आंकड़ा था उससे ये नंबर्स बढ़ गए हैं, 233 मृतकों की संख्या हो गई है इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है। 233 अब मरने वालों की संख्या 233 हो गई है, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं, अलग अलग जगहों पर उनका इलाज चल रहा है। रवि दत्ता, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि अभी और डेड बॉडीज निकलेंगी, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 233 मरने वालों की संख्या हो गई है, रवि दत्ता। देखिए, ये जो मतलब नंबर है ये ज़रूर बढ़ेगा। इसका कारण ये है, जिस बारे में मैं जिक्र कर रहा था, ये सामने वाला जो स्लीपर लिखा हुआ है, इसका बाजू वाला बोगी जहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर NDRF के जो लोग हैं वो अभी भी वहाँ पे काटने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट वही जगह पे 7 बॉडी अटका हुआ है, जो कि सीट नंबर 72 जो बर्थ नंबर होता है वहाँ पे था, तो वहाँ पे 7 बॉडी अटकी हुई है, या इसके अंदर शायद 2-3 बॉडीज है, उसको भी निकालने की कोशिश किया जा रहा है। तो मेन जो है, ये सारे सामने आगे जो बॉडीज है उसको निकालने में बहुत समय लगेंगे और ये आंकड़ा बढ़ेगी, क्योंकि जब उसका शनाक्तकरण हो जाएगा उसके बाद मृतक के परिवार के हाथ में बॉडी दिया जाएगा, उनको फिर काउंट किया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हॉस्पिटल्स में गए थे, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसा बाइट मैं सुन रहा था जब मैं रास्ते में था, आ रहा था, कोई कह रहा था। तो ये लोगों का मौत भी हो सकता है, क्योंकि एक तो एक्सीडेंट हुआ है उसका, और एक बहुत बड़ा ट्रॉमा शॉक है जिसके चलते ज़्यादातर लोगों की मौत होते हैं, क्योंकि ये अचानक जो झटका है ये लेना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग रवि घायल भी हैं गंभीर रूप से, ऐसे निकल के आ जाती, बहुत सारे लोग घायल भी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए, 900 से ज्यादा घायल बताया जा रहा है, वही मैं बात कर रहा हूँ रवि, 900 से ज्यादा अगर घायल हैं तो समझ सकते हैं कि पूरा ट्रेन में जितने लोग थे आधा से ज्यादा लोग घायल है। तो यहाँ पे 3 ट्रेन एक दूसरे के साथ धक्का लगा है, एक ट्रेन खड़ी हुई थी जो मालगाड़ी थी उसमें तो कोई था नहीं, और जो इंजन था वो तो बच गया।